नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। यूनियन बजट 2023 से उम्मीद, महंगाई और टैक्स से राहत दिलाए सरकार। कल पेश होने वाला है यूनियन बजट 2023। आपको बता दें कि लोकसभा में 1 फरवरी 2023 बुधवार को साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश की जनता के लिए बजट पेश करेंगी। इस वर्ष जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, वहीं लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। इस साल का बजट गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, चाहे फिर वो रसोई गैस हो या पेट्रोल या फिर आटा और दूध दही। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली ने बताया कि केंद्र सरकार का बजट न केवल उद्योगपतियों बल्कि सामान्य व्यापारियों और सामान्य शहरी क्लास के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र के बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें रहती है। जीएसटी के जो प्रावधान है उसमें आरसीएम का प्रावधान नया डाला गया है। इसमें व्यापारियों से कोई तकनीकी भूल हो गई या फिर उसे लॉ की व्यापारी को जानकारी नहीं है तो उस पर बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई जाती है। इसमें राहत देने की जरूरत है तथा बैंकों के ब्याज को भी कम करने की जरूरत है। वित्त मंत्री जो यूनियन बजट 2023-24 पेश करने वाली हैं उससे महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस सस्ती होनी चाहिए, महंगाई की वजह से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। पहले गैस सिलेंडर 800 रुपये तक आ जाता था जो अब 1000 से ऊपर हो गया है। दूध दही सभी कुछ महंगा है। वित्त मंत्री को मध्यम वर्गीय परिवार और महिलाओं की प्रतिदिन की जरूरतों को देखते हुए ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे महिलाएं अपनी रसोई को आसानी से चला सकें। प्रस्तुत है आम जनता की राय, जिसमें व्यापारी का रोल अहम माना जाता है। अगर व्यापारी कमजोर हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पाएगी। आज कुछ सालों से व्यापारी बहुत ही पीछे होता जा रहा है। एक तो महंगाई कम, व्यापार होना तो वो जीएसटी पे भी असर डालता है। सरकार ये बजट बनाएगी और हम सबको उम्मीद है, खासकर महिलाओं को भी रसोई के बजट में भी आशा करते हैं कि सरकार कुछ अच्छा देगी। हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें का रेट कम हो जिससे कि एक सुचारू जीवन आम आदमी जी पाए। जिस तरह से गैस सिलेंडर के रेट आप देखते हैं, इसी तरह आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। इसी अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं कि इसमें गरीब भाइयों का, आम आदमी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बजट जब पेश होता है तो भारत के हर व्यक्ति, गांव का जो 0% का आदमी है और जो बहुत बड़ी बिजनेस कर रहा, सबकी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं बजट में हमें रियायत मिलेगी। जिस तरह से पिछले कई सालों से देश का बजट पास हो रहा है और आम आदमी की जेब में जितना बड़ा लोड पड़ता है, शायद वो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा नुकसान होता है आम जनता की। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की जो नीतियां रहीं, अभी ORP 2 का रिवीजन हुआ है, उसमें सेना के जवानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। सरकार सेना के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कलेक्ट करती है। यहां तक कि जब से भाजपा की सरकार आई केंद्र में और सेना के नाम पर अपनी राजनीति को सबसे सर्वोपरि स्थान पर रखते हैं, अग्निवीर बना दिया, सेना के अंदर जवानों के पेंशन बंद कर दिया। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ भारत सरकार की और देश के जनता की, कि जो युवा 18 साल का युवा अग्निवीर में बनकर 4 साल के लिए जाता है, 4 साल के बाद वो क्या करेगा? ना तो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है, ना सेना में रह सकता है, और सरकार उसकी पेंशन कर दी, बंद कर दी। और यहीं राजनेताओं की देख लीजिए तो हर दिन, मतलब महीने में 2 बार उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, अगर एक एग्जाम्पल कहा जाए तो। और एक बार विधायक बन गया, पार्षद बन गया, सांसद बन गया, उसकी 4-4 पेंशन ले रहा है, लेकिन एक जवान जो सरहद पर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसकी भी पेंशन बंद कर दी गई। ये सरकार को इसमें सोचना है। और कल का जो आम बजट है, हमें तो नहीं लगता कि सरकार जनता को और आम जनता को रियायत देगी, क्योंकि जनता के ही जेब में ये लोड जाने वाला है। राजनेता हैं जो पैसे वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको कभी कितना भी बजट महंगा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क तो उनको पड़ता है, उन महिलाओं से जाकर पूछो जो गांव में चूल्हे में आज भी खाना बनाती हैं। सिलेंडर तो उनको दिया गया लेकिन उसको भराने के लिए उनके जेब में बजट नहीं है। रीवा में दंपत्ति के बीच हुआ अलगाव। कोर्ट के आदेश पर पति ने दिए थे 5 लाख। घर जाते समय पत्नी से लूट। वारदात से पहले ससुराल पक्ष ने दी थी धमकी।
बता दें कि बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरौला मंदिर से लगे कमांडेंट बंगले के पास एक महिला के साथ 5 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति के बीच अलगाव हो गया था। दोनों के बीच चल रही अनबन को लेकर 6 साल से फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था। विगत दिवस कोर्ट के आदेश पर पति ने 5 लाख रुपए दिए। रकम लेने के बाद पत्नी अपने भाई के साथ बाइक में सवार होकर घर जा रही थी, जिसको दो बाइक में आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। घटना के बाद महिला का भाई एक बिना नंबर की बाइक को खींचकर पकड़ लिया। दावा है कि बदमाश दूसरी बाइक में बैठकर लुटेरों के साथ फरार हो गया है। वारदात के बाद घटना की सूचना बिछिया पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक पहुंची पुलिस ने महिला के बयान लिए हैं। चर्चा है कि पति को पुलिस ने उठाया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान लेकर भूमिका की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दीपा सिंह पटेल 30 वर्ष निवासी गोपाल नगर बिछिया थाना अपने छोटे भाई कुणाल सिंह के साथ घर जा रही थी, तभी ये घटना घटी है। दीपा सिंह, मैं 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा था। आज समझौता था, 5 लाख रुपए वहाँ से मिले थे कोर्ट से समझौते के थ्रू। तो मेरे ससुराल वालों ने, मतलब पति ने धमकी भी दी थी कि ले लो और पैसे कितने लेने हैं, वहाँ पर धमकी दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने 4-5 लड़कों को भेजकर पैसे, मतलब घर ही के पास भैया के साथ आ रहे थे तो उनके भैया को मारपीट किए, गाड़ी छुड़ा लिए और फिर मेरे पैसे के पर्स के पीछे मैं भागी, जो लड़का लेकर भागा था तो उसके पीछे भागी, तो वो गाड़ी में बैठ के तीनों निकल गए। 5 लाख रुपये जी सर, और गले की चैन भी छुड़ा लिए थे जी सर। ये बताइए, आप उनसे किसी को पहचानते हैं? नहीं नहीं सर, वो वाले थे, मास्क लगाया था उन्होंने जी सर। कोर्ट में पति ने धमकी दी थी। आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में जी। कैसे अलगाव, क्या कुछ सर? उनके अलग मतलब संबंध थे और तो जी जी। क्या नाम है? दीपा सिंह सर। कई जगह कोर्ट में भी इनके वारंट वगैरह कट चुके हैं, मतलब नहीं जा पैसे नहीं दे रहे, तो उसमें भी जी भैया ने गाड़ी बरामद हुई थी, गाड़ी भैया को मतलब ले लिए थे। मैं इनके साथ था, इनका भाई हूँ कुणाल सिंह, तो मैं इनको लेके आ रहा था कोर्ट से। तो जो पैसा इन्होंने बैग में लिया था, पहली बात तो उन्होंने अकाउंट में नहीं दिया, जानबूझ के नकद दिया, कैश दिया पैसे, और वहाँ से पीछे से आदमी लगवा रखे थे। जैसे ही मैं कमांडेंट बंगले के पास पहुँचा तो उन्होंने गाड़ी से अपने ठोकर मार दी, तो मैं गाड़ी सहित इनके साथ गिर पड़ा। उन्होंने बैग लिया और तेज़ी से भाग दिए, पर उनकी वो करीब 4 लोग थे, 2 एक गाड़ी में 2 एक गाड़ी में, हम लोग भी बाइक में थे। तो उसमें बाइक जो है वो एक बाइक मेरे ऊपर उनकी मतलब धक्का लगा मेरे ऊपर गिर गई थी, तो वो बाइक मैं पकड़े रह गया, छोड़ा नहीं, तो ये बैग लेके भाग गए और सिस्टर मेरी उनके पीछे पीछे दौड़ी थी, तो वो बाइक मैंने जब्त कर ली, पुलिस वालों को दे दी। और उसमें नंबर उम्बर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बाइक में। मेरा कुणाल सिंह। रीवा में फिर हटाया गया कलेक्ट्रेट का अतिक्रमण, उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर है अवमानना याचिका, पूर्व में भी हटाया जा चुका है अतिक्रमण। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के पीछे की ओर किए गए अतिक्रमण को आज एक बार फिर प्रशासन और नगर निगम के अमले द्वारा हटाया गया है। ये पूरी कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई है। कार्रवाई को लेकर तहसीलदार आरपी त्रिपाठी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में कलेक्ट्रेट के पीछे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर एक अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद पूर्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण कर लिया गया था। बताया गया कि पूर्व में ऐसे कुल 55 दुकानदारों को चिन्हित कर हटाया गया था, जिनमें से पूर्व में की गई अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन 25 दुकानदारों द्वारा एक बार फिर से अतिक्रमण कर लिया गया, जिन्हें आज उच्च न्यायालय के निर्देश पर हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध धारा 248 की कार्रवाई कर बेदखली भी की गई थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के कुछ दिन बाद ही ये फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके चलते अब इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई एवं आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत है, और पिछली बार हमने अतिक्रमण हटाया था, फिर भी याचिका करते नहीं, पीछे की फोटो लगा दिया है, तो कोर्ट संतुष्ट नहीं है। हाई कोर्ट से फिर आदेश हुआ है कि तत्काल अतिक्रमण हटाकर न्यायालय को सूचित करें, उसी परिप्रेक्ष्य में ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। उनकी कितनी दुकानें हटाई जानी हैं? लगभग 55 दुकानें थी, जिसमें से आधी पहले हट चुकी थी, और लगभग 25-26 दुकानें
अभी हटेंगी आज। देखा जाता अस्थायी रूप से फिर से कब्जा कर लेते हैं। जी आए दिन ये लोग यही करते हैं, जैसे ही हम अतिक्रमण हटाते हैं दो चार दिन में फिर अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं। तो अब इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा और इसकी स्थायी समस्या का निदान किया जाएगा। कोई कानूनी हाँ निश्चित रूप से हमने इनके ऊपर धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके और बेदखली का आदेश पारित किया है, अर्थदंड भी अधिरोपित किया है और अगर इसके बाद करते हैं तो सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। शिक्षक की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आपको बता दें कि रीवा जिला जवा विकासखंड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय भंडरा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में फुहड़पंथी गानों पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी जीपी उपाध्याय ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मामले में जांच दल भंडरा विद्यालय पहुंचा। इससे बौखलाए विद्यालय के दो शिक्षक धीरेन्द्र सिंह व अनुपम सिंह ने वीडियो बनाने वाले ग्रामीण को रास्ते से निकलते वक्त हमला बोल दिया और जमकर गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए पीड़ित ग्रामीण इंद्रबली यादव का मोबाइल भी छीन लिया। उक्त मारपीट में घायल इंद्रबली यादव को चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के हेडमास्टर व शिक्षक वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे जितना वीडियो वायरल हो जाए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पूरे मामले में देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी विद्यालय के हेडमास्टर रामलाल वर्मा व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मारपीट करने वाले शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का पूरे घटनाक्रम की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि छलकत हमरो जवनिया ये राजा पागल बनाईवे कार्य पत्रिकी एवं छत पर सोया था बहनोई जैसे फुवड़ गानों पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। ये डांस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षकों की मौजूदगी में स्कूल की छात्र छात्राओं से प्रस्तुत कराया गया था और इस दौरान शिक्षकों द्वारा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा था। प्रस्तुत है पीड़ित शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। इनके ऊपर हाथ पहले कहा चलाई थी? क्या चलाई थी? पटके तू है, तुम पटके हो, धीरेन्द्र सिंह पटके हैं, आप पटके हैं। हाँ ठीक है ना, पैसा ना। हाँ हाँ पटके हैं आप। ये देखिए हमारी चोट लगी है यहाँ पर, बहुत चोट लगी। वो हमारी मोबाइल लिए हैं, हमारी वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप द्वारा, इसका आवाज़ उठाया था बच्चों के भविष्य के लिए, जो अश्लील गाना और भोजपुरी और फिल्मी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। माध्यमिक ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के टीचर धीरेन्द्र सिंह और अविनाश सिंह, ये जो कि मेरे साथ मारपीट किए हैं और कल मारपीट किए हैं, दिनांक 30/1/2023 मारपीट किए और स्कूल रास्ते से मैं जा रहा था वो खींच के वहाँ पर मारे हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश किए लेकिन मार नहीं पाए। मैं वहाँ से कैसे भी छूट के निकला और मेरी मोबाइल छीन लिए, मेरी मोबाइल फूट गई है, स्क्रीन उसका फूट गया है और मेरे को चोटें भी आई है। और अभी आप थाने आए हैं, थाने में क्या है? उसके बावजूद भी ये नहीं बंद हुआ तो ये आवाज़ लगातार मीडिया के माध्यम से जब उठाई गई तो वो शिक्षक है, इनको कल मौके पर 30/1/2023 को वहाँ से ये निकल रहे थे तो उनको पकड़ करके वहाँ पे इनके हाथ उड़ेरा, इनके साथ मारपीट किया और यहाँ तक इनको काफ़ी तेज़ी से चोट आई और ये सामाजिक दृश्य बहुत गलत है। यदि आज ये थाने पे इस पूरी टीम के साथ ये अपने न्याय मांगने आए हैं, थाना प्रभारी महोदय ने आवेदन लिया है और न्याय के लिए आश्वासन दिया है, यदि न्याय नहीं मिलता तो हम पूरे क्षेत्र के समाज और जनता के साथ मिलकर के इस रोड में उतर आएंगे और हम केवल 3 दिन का समय देता हूँ, यदि 3 दिन बाद इस सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रबली यादव को न्याय नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ से लेकर के जिले तक एक आंदोलन उग्र के रूप में आएंगे और न्याय लेकर के ही मानेंगे। साथियों रीवा में विचित्र महिला का हंगामा, बीच चौराहे में चाकू से बकरे को काटा, चाकू सहित बच्चे को लेकर फरार, महिला की हरकत से परिजनों को आशंका, बच्चे को भी पहुंचा सकती है नुकसान। बता दें रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विचित्र महिला ने आज जमकर हंगामा किया। महिला ने पहले तो अपने ही घर में पत्थरबाजी की जिसके बाद अपने ही पिता की दुकान से बकरा ले जाकर उसे बीच चौराहे में चाकू से काट दिया और अब चाकू सहित बच्चे को लेकर फरार हो गई है। महिला द्वारा किए गए इस हंगामे के बाद परिजन काफी डरे सहमे हैं, आशंका है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है जिससे वह बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है।
हालांकि परिजनों ने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और परिजन बेरंग थाने से वापस लौट आए। दरअसल मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित चिकान मोहल्ले का है। घटना के संबंध में महिला के पिता राम कुमार चिकवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बताया गया कि मानसिक हालत ठीक न होने के कारण महिला ने घर में जमकर हंगामा किया और पिता की दुकान से बकरे को लेकर चली गई, जिसे उसने सिंधी चौराहे में चाकू से काट दिया। परिजनों की माने तो अब उन्होंने महिला को रोकने का प्रयास किया तो उसने उन पर भी हमले की कोशिश की और चाकू की नोक पर 14 साल के बेटे को अपने साथ लेकर भाग खड़ी हुई। परिजनों की माने तो महिला ने अपने साथ चाकू लिया है, जिन्हें आशंका है कि वह बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि महिला को रोका जाए और अगर उसे रोका या पकड़ा नहीं गया तो वह किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। फिलहाल परिजन चाकू के साथ बच्चे को लेकर गायब हुई महिला की तलाश कर रहे हैं। प्रस्तुत है विक्षिप्त महिला के पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। राम कुमार चिकवा, ये कौन सा मोहल्ला है? चिकान टोला कटरा मोहल्ला। घटना क्या घटी यहाँ पे? यहाँ पर घटना नहीं घटी, हमारी लड़की पागल है तो बकरा दुकान गई है, दुकान से बकरा ढील लाई दोठे, उसको हेर रहे थे सिंधी चौराहा में, एक बकरा ली थी और चाकू ली थी, तो हमने डरन के मारे वहाँ बोले थाने लगा दो, वहीं पर कोई नहीं लगाए फोन। फिर उसके बाद मैं थाने गया, थाने जब मैं गया कि बोला कि चाकू ली है, बकरा की काट रही है और मारने को दौड़ती मेरे को भी, तो थाने में कोई नहीं आए हमारी हेल्प करने। कहाँ काट रही थी? सिंधी चौराहे पर काट रही थी। अभी कहाँ है वो लड़की? अभी वो यहाँ पर नहीं है, लड़के 13-14 साल का लड़का है और चाकू और लड़के को भी लेकर चली गई है यहाँ से। लड़का उन्हीं का? उसी का है जी, उसी का लड़का है। नाम क्या है उसका? रौनक। पूरा नाम? रौनक खटी। रौनक खटी। बच्ची का क्या? जो लड़की का ज्योति चिकवा। पुलिस नहीं आई अभी को भी लिए, झोला में चाकू लेकर भाग गई लड़के को लेकर। आम आदमी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह के नेतृत्व में आज नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। बता दें कि रीवा में आम आदमी पार्टी द्वारा आज वार्ड क्रमांक 26 शारदापुरम मोहल्ले की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा और निगम आयुक्त मृणाल मीणा को ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि शहर के वार्ड क्रमांक 26 शारदापुरम कॉलोनी में कुछ इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। इसके साथ ही यहाँ मीठे पानी की पाइपलाइन भी नहीं डाली गई है और नालियों का निर्माण भी कराना है बाकी है, जिसके चलते मोहल्ले वासियों को मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है और बारिश के दिनों में पानी घरों के अंदर घुस जाता है। सड़क न हो पाने के कारण यहाँ बारिश के दिनों में मोहल्ले वासियों को निकलने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से यहाँ के रहवासी नगर निगम को हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते शारदापुरम कॉलोनी के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि आज शांतिपूर्ण ढंग से आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ले वासियों के साथ समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त सहित महापौर को मांग पत्र सौंपा गया है और इन समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की गई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। थोड़ा सा दूर रखे हमका, पढ़े का पड़ी। किन मांगों को लेकर के घेराव किया जा रहा है? आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग वार्ड 26 की समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे हुए हैं, जिसमें लगातार वार्ड 26 के शारदापुरम की एरिया में डॉक्टर LM तिवारी के मकान से राम स्वरूप शर्मा जी के मकान तक करीब 250 मीटर रोड के निर्माण के लिए, नाली के लिए और मीठा पीने की पाइपलाइन बिछाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से नगर निगम दावा कर रहा है कि हम हर जगह पे रोड नाली बनवाने का काम करेंगे और वहीं पे BJP 15 साल से सत्ता में मदमस्त होकर बैठी हुई है, आज वहाँ के लोग 2000 सन से लगातार टैक्स दे रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, पर आज तक वहाँ पर रोड और नाली का निर्माण नहीं हो पाया और पीने की पाइपलाइन लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पाई। आपको बता दूं कि जब बरसात का मौसम आता है तो वार्ड 26 के लोगों के घरों में पानी पहुँच जाता है, बाढ़ की जैसी स्थिति आ जाती है बरसात के टाइम में, लोगों को बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो जाता है। लोगों ने अपने सामने खुद से स्वयं के खर्च से नाली का निर्माण करवाया, पर नाली में लगातार कोई सफाई और किसी तरह की सफाई ना होने की वजह से आज नालियों से दुर्गंध और क्या कहते हैं कई बीमारियों का
उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वहाँ के रहवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग नगर निगम कमिश्नर और रीवा नगर पालिक निगम के महापौर जी से निवेदन करने के लिए आज इस एक ज्ञापन पत्र के माध्यम से आसान तरीके से आए हुए हैं कि हर जगह यदि आप रोड नाली के लिए सेंसन करवा रहे हैं तो वहाँ भी नपाई जुकाई करने के बाद इस्टीमेट तैयार करके टेंडर जारी किया जाए, जिससे बरसात के पहले वहाँ रोड और नाली का निर्माण हो पाए। स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे जिस तरह से रीवा को भी नंबर पे दिखाया जा रहा है, मैं आज आपको बता दूं कि यदि आपको स्वच्छता सर्वेक्षण का सही सर्वेक्षण करना है तो या तो आप निराला नगर की बस्ती में चले जाइए, या तो आप वार्ड 26 अम्बेडकर नगर पोखरी टोला शारदापुरम की एरिया में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण कापियों और किताबों में और पन्नों में कुछ और है और जिसकी सही हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर पा रही है। वहीं पे जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, लगातार नगर निगम खाली ज़मीनों का टैक्स तो ले रहा है। जब सभाजीत यादव जी यहाँ के कमिश्नर थे 2019-18 के टाइम में ये चीज़ें लागू की गई थी कि खाली ज़मीनों का टैक्स लिया जाएगा, और जब कमिश्नर साहब से नगर निगम से पूछा गया था कि टैक्स किस बात का लिया जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो कचरा गंदगी वहाँ पे होती है उसका साफ़ सफाई का काम, जिम्मे का काम नगर निगम देखेगा। उसके बाद भी आज आप एक कैमरा आप अपना उधर भी एक बार घुमा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि खाली ज़मीन सिर्फ कचरा भंडारण की जगह बन चुकी है। लोग पहाड़िया में कचरा न छोड़ के नगर निगम के लोग और कई लोग वहां पे कचरा एकत्रित हो रहा है, जिससे कई लोग बीमार हो रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।